नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी पंजाब चुनाव में दिखे किसान आंदोलन के असर की, राकेश टिकैत की बीजेपी को चेतावनी की, बताएंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और वामदलों की क्या है रणनीति, जानेंगे कि राहुल गांधी ने पुडुचेरी में केंद्र सरकार से क्या की मांग और क्या गिर जाएगी पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार, और बुलेटिन के आखिर में बात निजीकरण पर सरकार के एक और बड़े फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने लीडरशिप फोरम को किया संबोधित, कहा भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने दुनिया में अपनी छाप छोड़ी, देश के लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर समाधान बनाने का आह्वान किया। आरजेडी में सुशील मोदी ने दिए टूट के संकेत, पूर्व उप मुख्यमंत्री ने तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए कहा दोनों नेताओं की वजह से कभी भी आरजेडी में मच सकती है उथल पुथल। मोबाइल पर बात करना हो सकता है महंगा, 1 अप्रैल से टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलिंग की दर बढ़ाने के दिए संकेत, इंटरनेट का प्रयोग करने वालों को भी देना होगा ज्यादा दाम। निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन को लेकर फिर उठी मांग, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की मांग दोहराई। और IPL फ्रेंचाइजी टीम किंग्स इलेवन पंजाब ने अपना लोगो और नाम बदला, अब टीम का नया नाम होगा पंजाब किंग्स। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 महीने होने को आए हैं किसानों के धरने को। वैसे किसानों का आंदोलन तो देशव्यापी है, लेकिन किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर यदि कहीं देखा जा रहा है तो वो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार के कई मंत्री तो इस आंदोलन को पंजाब के किसानों का आंदोलन तक कह चुके हैं, और आज जब पंजाब में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आए तो साफ हो गया कि किसानों को गुस्सा हर उस पार्टी के खिलाफ निकला जिसने बीजेपी का साथ दिया। तो क्या रहा है पंजाब में चुनाव का परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी भले ही कहती है कि किसान आंदोलन का असर हमारी सियासत पर नहीं पड़ा है, लेकिन चुनावी नतीजे साफ बयां करते हैं कि किसानों की आवाज कमल को कमजोर बना रही है। किसानों के आंदोलन के बीच हरियाणा निकाय चुनाव में भी बीजेपी को हार झेलनी पड़ी थी और अब पंजाब में भी पार्टी की परेशानी बढ़ी है। आज घोषित किए गए नतीजों में नगर निगम और नगर पंचायतों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिला। पार्टी ने जहां बटाला, भटिंडा, मोगा, कपूरथला, पठानकोट नगर निगम में जीत हासिल की, नगर निगमों के अलावा कांग्रेस ने अभी तक 98 म्युनिसिपल काउंसिल में जीत दर्ज की है। कांग्रेस नेता मनप्रीत सिंह बादल ने भी ट्वीट करके दावा किया है कि भटिंडा में भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ये करीब 53 साल बाद हुआ है जब भटिंडा में कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा। इससे पहले भटिंडा नगर निगम में श्रोमणि अकाली दल का कब्जा था, लेकिन अब भटिंडा में कांग्रेस ने पंजा मार लिया है। कांग्रेस के लिए जीत आसान नहीं थी क्योंकि इस बार 9,222 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। चुनाव में सबसे ज्यादा 2,831 निर्दलीय उम्मीदवार थे, जबकि पार्टी के तौर पर देखें तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 2,037 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसका उसे फायदा भी मिला। इन निकाय चुनाव के नतीजे इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी। ऐसे में इन्हें कृषि कानूनों का एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, जिसमें बीजेपी फेल हो गई है, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले हुए नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पास हो गई। पंजाब में कांग्रेस को किसानों का साथ मिला और परिणाम बता रहे हैं कि कांग्रेस ने 5 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और अब किसानों की नजर पश्चिम बंगाल पर है जहां विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार नहीं मिलती उनके आंदोलन को जीत नहीं मिलेगी। इसे लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। तो क्या कहा है टिकैत ने, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि इस बार चुनाव में बीजेपी और TMC के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन अब बंगाल में बीजेपी के लिए किसान बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब बड़ा होने लगा है। इसे लेकर किसान संगठन और उनसे जुड़े नेता लगातार नई नई रणनीति बना रहे हैं। अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियों के साथ किसान संगठन भी कूदने को तैयार हैं। केंद्र के लाए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का अगला लक्ष्य बंगाल चुनाव है। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि किसान संगठन से जुड़े नेता पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी किसान सभाएं करेंगे ताकि केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा सके।
किसान नेताओं ने कहा है कि वे जनता से ऐसे लोगों को वोट नहीं देने को कहेंगे जो किसानों की आजीविका छीन रहे हैं। किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारेगी तभी उनका ये आंदोलन सफल होगा। पश्चिम बंगाल में भी लोग कृषि पर निर्भर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसानों का ये फैसला बीजेपी को बंगाल विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाता है। किसान अब हर उस जगह प्रचार की तैयारी में हैं जहां बीजेपी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े बड़े नेता दौरा कर रहे हैं और अब किसान भी वहां जाने की बात कर रहे हैं। किसानों के विरोध को भुनाने के लिए राजनीतिक दल भी सक्रिय हैं। कांग्रेस और वाम दलों ने पश्चिम बंगाल में गठजोड़ करने का ऐलान किया है और जल्दी ही सीट बंटवारे की घोषणा भी हो जाएगी। कई और पार्टियों के भी इस गठबंधन में आने की उम्मीद है। तो क्या है कांग्रेस और वाम दलों की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के 3 दशकों के शासन का अंत करके ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज हो गई थीं। लगातार 10 साल से सूबे में लेफ्ट के हाथों हार ही लग रही है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग होकर लड़ने वाली लेफ्ट अब फिर से हाथ मिलाने की तैयारी में है। सूबे में त्रिकोणीय मुकाबला करने के लिए कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यहां तक कि आरजेडी और एनसीपी भी हाथ का साथ देते नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ऐलान किया कि राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के साथ राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि कई पार्टियों ने हमारे साथ जुड़ने की इच्छा जताई है। हम इन सेक्युलर पार्टियों का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम उनके साथ भी कुछ सीटें साझा करेंगे। यही वजह है कि हम आज सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला नहीं कर पाए हैं। अब तक कुल 193 सीटों के बंटवारे का प्लान फाइनल कर लिया है। इनमें 101 पर लेफ्ट और 92 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बची 101 सीटों पर फैसला बाद में किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस ने कहा कि अब ISF भी गठबंधन में शामिल हो चुकी है। 28 फरवरी को हम ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली करेंगे। इस रैली में विपक्षी एकता की वो तस्वीर साफ नजर आएगी जो ममता से लेकर बीजेपी की परेशानी बढ़ाएगी, क्योंकि 2016 में केवल लेफ्ट और कांग्रेस ही साथ लड़े थे। हालांकि उस वक्त 294 सीटों में से 76 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन अब कई और दल भी साथ आ गए हैं। ऐसे में सूबे की सियासत क्या मोड़ लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दल पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर रहे हैं। मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद की जा रही है। वैसे कांग्रेस की नजर पश्चिम बंगाल के साथ ही पुडुचेरी पर भी है। पश्चिम बंगाल के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं और यहां आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पहुंचे। यहां उन्होंने मछुआरों की समस्याओं को सुना। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार है। चुनाव आयोग से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। पुडुचेरी के साथ 4 और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 5 साल से कांग्रेस की ही सरकार है। पार्टी की कोशिश है कि पुडुचेरी में उसकी सरकार बनी रहे, इसलिए आज राहुल गांधी पार्टी के प्रचार के लिए पुडुचेरी पहुंचे, जहां उन्होंने मछुआरों से सीधी बात की और उन्हें देश का किसान बताया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार में मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए ताकि उनकी आवाज भी सुनी जा सके। मछुआरों को भी इंश्योरेंस पेंशन की सुविधा दी जानी चाहिए। यहाँ पर तमिल भाषा ही सर्वोपरि है और इसके बाद किसी अन्य भाषा को सुना जाना चाहिए। इसके अलावा कृषि कानून के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ये कानून सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि मछुआरों और सभी आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप भी देश के समंदर वाले किसान हो जो देशवासियों के लिए काम कर रहे हो। हम चाहते हैं कि समंदर की ताकत मछुआरों के पास रहे, न कि सिर्फ 1-2 लोगों के पास। आपको बता दें कि राहुल गांधी का पुडुचेरी दौरा उस वक्त में हो रहा है जब कांग्रेस की सरकार मुश्किल में फंसी है। राहुल गांधी पुडुचेरी में है, यहाँ सरकार उनकी ही पार्टी की है, लेकिन पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार मुश्किल में फंस गई है। एक के बाद एक करके 4 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, लेकिन राज्य के सीएम नारायण सामी का दावा है कि उनके पास बहुमत है। नारायण सामी के लिए राहत की बात यह है कि राज्य की उपराज्यपाल किरण बेदी को भी हटा दिया गया है। तो क्या है पुडुचेरी के राजनीतिक हालात, देखिए ये रिपोर्ट। साल 2016 में जब से केंद्र सरकार ने किरण बेदी को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का उपराज्यपाल बनाकर भेजा था, तब से लेकर अब तक राज्य के मुख्यमंत्री नारायण सामी और उपराज्यपाल किरण बेदी के बीच कई मुद्दों पर विरोध देखने को मिल रहा था। लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अब चुनाव करीब है, तब सियासत एक नई कहानी लिखती दिख रही है। पहले कांग्रेस का अल्पमत में आना और फिर अचानक उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाया जाना
किसी बड़े सियासी उठापटक के संकेत दे रहा है। बता दें कि आज राहुल गांधी का पुडुचेरी का दौरा है, लेकिन बीते दिन एक और पार्टी विधायक ने विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। विधायक ए जॉन कुमार के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नारायण स्वामी सरकार अल्पमत में आ गई। जॉन कुमार के इस्तीफे के बाद सरकार और विपक्ष दोनों के पास बराबर विधायक हैं, ऐसे में राज्य में उपराज्यपाल की भूमिका अहम हो गई। मगर हैरानी तब हुई जब केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल किरण बेदी को पदमुक्त कर दिया। जैसे ही पुडुचेरी में कांग्रेस अल्पमत में आई, ठीक उसी समय राष्ट्रपति ने निर्देश दिया कि किरण बेदी अब पुडुचेरी की उपराज्यपाल नहीं रही। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेलंगाना की राज्यपाल तलिनी स्वामी सौंदर्य राजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल की अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी सौंप दी। इसी सियासी उथल पुथल के बीच विपक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नारायण स्वामी के इस्तीफे की मांग की, लेकिन मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के पास बहुमत है। हालांकि अगले कुछ दिनों में पुडुचेरी में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन उससे पहले पुडुचेरी में भी कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर सताने लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस से कई राज्यों में सरकारें बना चुकी है। कांग्रेस से त्यागपत्र देने वाले नवशिवम और थेप्पेनथाम भाजपा में शामिल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि पिछले दो दिनों में इस्तीफा देने वाले मालदी कृष्ण राव और ए जॉन कुमार भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को वहां होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार मुश्किल में है। विधानसभा चुनावों से पहले ही पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। अपने सहयोगी ही पार्टी को परेशान कर रहे हैं। वैसे सहयोगियों से परेशानी तो नीतीश कुमार को भी हो रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस बार मुश्किल में चल रहे हैं। सरकार बनाने के 2.5 महीने बाद वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाए। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम और वीआईपी दोनों नाराज हो गए। अब दोनों ही दलों की ओर से नीतीश कुमार के सामने बड़ी डिमांड रख दी गई है। ऐसे में क्या करेंगे नीतीश कुमार, देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद से गठबंधन के सहयोगी दलों की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। मुकेश सहनी ने कैबिनेट विस्तार से नाराज होकर अमित शाह तक से मुलाकात की बात कही। वहीं अब राज्यपाल कोटे से विधान पार्षदों के मनोनयन को लेकर गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल 12 विधान पार्षदों के मनोनयन को लेकर जीतन राम मांझी के साथ मुकेश सहनी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी ने 12 सीटों में से एक एक सीट पर दावेदारी ठोक दी है। बिहार कैबिनेट विस्तार में जगह न मिलने से नाराज जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने मंत्री पद के लिए एक सीट और राज्यपाल कोटे से मनोनयन होने वाले 12 विधान पार्षदों में से एक सीट की डिमांड की थी। दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी राज्यपाल कोटे से होने वाले 12 विधान पार्षदों के मनोनयन में से एक सीट अपनी पार्टी के लिए मांगी है। अब देखना होगा कि मांझी और सहनी के दबाव बनाने का क्या कुछ फायदा उनको मिल पाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार के निजीकरण की ओर बढ़ते तेज कदम की। केंद्र की मोदी सरकार अब तक अपना खजाना भरने के लिए कंपनियों को बेचने जा रही थी, लेकिन अब सरकार की नजर अंतरराष्ट्रीय धरोहर पर भी है। जी हां, देश के 4 अंतरराष्ट्रीय धरोहरों को निजी हाथों को सौंपा जाएगा। इसी कड़ी में कालका शिमला रेलवे लाइन को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारियां चल रही हैं। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। हिमाचल में विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र को जमकर आड़े हाथों लिया है। देश की वो धरोहर जिसने विश्व में पहचान बनाई, वो धरोहर जो पहाड़ी पर रफ्तार देती है, उस अंतर्राष्ट्रीय धरोहर कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन को मोदी सरकार निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। शिमला कालका हेरिटेज रेलवे ट्रैक के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, तमिलनाडु के नीलगिरी, महाराष्ट्र के नेरल, माथेरान को भी बेचा जाएगा। रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने इन 4 अंतर्राष्ट्रीय धरोहर माउंटेन नैरोगेज ट्रैक पर सर्वेक्षण शुरू करवाया है। दिल्ली की एक कंसल्टेंसी कंपनी सर्वेक्षण करेगी, जिसे मार्च तक पूरा किया जा सकता है। उसके बाद इन ट्रैक को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश की इस विश्व धरोहर को बेचने की बात उठते ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कालका शिमला रेल लाइन को बेचे जाने की खबरों पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता कुल राकेश पंत ने कहा है कि रेलवे और सरकार के पास शायद इतने समझदार कुशल अधिकारी नहीं है, इस वजह से विश्व धरोहर रेल मार्ग बेचे जा रहे हैं। सोलन के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सरकारी उपक्रमों को बेचती आ रही है, ऐसे में अब सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचने का कैलेंडर जारी कर दे। अब सामाजिक संस्थाओं को एक होकर केंद्र के खिलाफ अभियान चलाने की आवश्यकता है। मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि कालका शिमला हेरिटेज रेल लाइन को विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। साल 1903 में शुरू हुआ कालका शिमला रेलवे ट्रैक को अब 118 साल पूरे हो चुके हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने इसे बनवाया था और यूनेस्को ने इस रेलवे ट्रैक को 8 जुलाई 2008 को विश्व धरोहर का दर्जा दिया था।
इस मार्ग पर 103 सुरंगे, 300 के करीब छोटे बड़े आकर्षक पुल, अंग्रेजों के समय बनाए गए 22 रेलवे स्टेशन भी हैं। शिमला के लिए एक इकलौती रेल लाइन है जो कालका से शुरू होते हुए सोलन से गुजरकर शिमला पहुंचती है। ये अब निजी हाथों में चली जाएगी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।